سماعت کریں، میں ایک مطلب پڑھتا ہوں، غدیر ملاحظہ فرمائیے اور ذرا سا یہی محفل کا ماحول بنے آپ کی محبتیں۔ سماعت کریں، ہم آمد ہے در کا اثر دیکھ رہے ہیں، ہم آمد ہے در کا اثر دیکھ رہے ہیں، دیوار میں بنتے ہوئے در دیکھ رہے ہیں، ہم آمد ہے در کا اثر دیکھ رہے ہیں، دیوار میں بنتے ہوئے در دیکھ رہے ہیں۔ بطور خاص حضرات، بالکل یہ نئی منقبت ہمیں مبارک پور میں پہلی مرتبہ پڑھنا چاہتا ہوں، اس میں اچھی شاعری بھی ہے اور آپ کے مزاج کے بھی شعر۔ ملاحظہ فرمائیے، عباس کی حیبت کا اثر دیکھ رہے ہیں، یہ ہے مصرع ابھی جونپور میں ہوا تھا شعر۔ ملاحظہ فرمائیے بھیا، ہاں یہ محفل کا ماحول بننا چاہیے تھا تو مجھے، ہم آمد ہے در کا اثر دیکھ رہے ہیں، دیوار میں بنتے ہوئے در دیکھ رہے ہیں، حسنین کے حسنین کے ہوتے ہوئے یہ شان یہ رتبہ، عباس کو زہرا کا پسر دے رہے ہیں، عباس کو زہرا کا پسر دیکھ رہے ہیں، عباس کو زہرا کا پسر دیکھ رہے ہیں۔ جی پڑھ میں فیضان بھائی، میں طبیعت سے پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ، مجھے سفر بالکل بھی محسوس نہیں ہو رہی تھکان، آپ اچھا سن رہے ہیں۔ شعر سنیے، ہمارے جلال پور سے ہزاروں لوگ کربلا گئے، مبارک پور سے بھی جاتے ہیں، بین الحرمین ادھر مولا عباس کا روضہ، ادھر امام حسین کا روضہ۔ شعر سنیے، سماعت کریں، یہ روضہ عباس ہے وہ روضہ سرور، یہ روضہ عباس ہے وہ روضہ سرور، یہ روضہ عباس ہے وہ روضہ سرور، جنت ہی نظر آئے جدھر دیکھ رہے ہیں، جنت ہی نظر آئے جدھر دیکھ رہے ہیں، جنت ہی مل گئے یا عباس، کو ایک حقیقت بتا دوں، آپ ادھر ادھر مت دیکھیے، شعرا جو آپ کے درمیان ہیں ان کی تعداد بڑی اچھی ہے، جناب ساغر بنارسی صاحب، فرحان بنارسی صاحب، ایک میں آپ کے سامنے ہوں، میسم بھائی ہیں، فخری بھائی 14 سال کے بعد آئے ہوئے ہیں، تو میں پھر تو آپ کو فخری بھائی اور میسم بھائی سے سننا ہے، میں ان کی پیشکانی کرتا ہوں، چونکہ شاعری اچھی ہے اس منقبت میں میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ سماعت کریں، آپ دیکھیں حضرت حر کی بارگاہ میں بہت قیمتی شعر پیش کرتا ہوں، سماعت کریں، یہ روضہ عباس ہے یہ روضہ سرور، جنت ہی نظر آئے جدھر دیکھ رہے ہیں، شبیر کے خیمے کی طرح پھر تیرا جانا، شبیر کے خیمے کی طرح پھر تیرا جانا، ایک لمحے میں صدیوں کا سفر دیکھ رہے ہیں، ایک لمحے میں صدیوں کا سفر دیکھ رہے ہیں، ایک لمحے میں صدیوں کا سفر دیکھ رہے ہیں۔ شعر ملاحظہ فرمائیے،
एक लम्हे में सदियों का सफर देख रहे हैं। मक्तूल है मसरूफ तिलावसर नैजा, 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 कातिल को पटकते हुए सर देख रहे हैं, कातिल को पटकते हुए सर देख रहे हैं, कातिल को पटकते हुए सर देख रहे हैं। मुबारक पुरा लो, समझ लो कि मिसरा आपने दिया है। अब्बास की हैबत का असर देख रहे हैं, चूँकि यहाँ जो मिस्र तरह की महफिल होती है जश्न फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा या सात शाबान का जश्न, तो आप तज़मीन पे बहुत अच्छा बोलते हैं। अगर मिस्र की तज़मीन है तो बोलिए, अब्बास की हैबत का असर देख रहे हैं। तज़मीन पेश करता हूँ, नजरों पे उठाए गए, नजरों पे वो रोके गए, नजरों पे गए रोके हुए दो लाख का लश्कर, नजरों पे गए रोके हुए दो लाख का लश्कर, अब्बास की हैबत का असर देख रहे हैं, अब्बास की हैबत का असर देख रहे हैं, अब्बास की हैबत का असर देख रहे हैं। शेर मुलाजा फरमाइए, अजरा सा नजरों पे है रोके हुए दो लाख लश्कर, अब्बास की हैबत का असर देख रहे हैं। अच्छा, ये चार मिसरे इसी में आपके मिजाज का भी हो जाए। देखिए, बेहुब्बे अली देखते हैं ख्वाब जिना के, बेहुब्बे अली देखते हैं ख्वाब जिना के, है देखना दुश्वार मगर देख रहे हैं, है देखना दुश्वार मगर देख रहे हैं। हाँ, ऐसी नमाजों से क्या फायदा उनको जो लोग इधर और उधर देख रहे हैं, जो लोग इधर और उधर देख रहे हैं। मिलके मिलके उधर देखने के बाद देखते हैं कोई देख तो नहीं रहा है। एक सलवात बाबा से बुलंद पढ़ें, जो लोग इधर और उधर देख रहे हैं। पूरी मनकबत का हासिल कलाम शेर तो मैं मक्ते में पढ़ूंगा, लेकिन एक शेर सुनिए, मसाइब से किस तरह फजाइब की मंजिल है, समाप्त करें। तोड़ी गए सीना सीने से सरवर के पिसर ने,
तोड़ी गसना सीने से सरवर के पिसर ने, दाऊद भी अकबर का जिगर देख रहे हैं, दाऊद भी अकबर का जिगर देख रहे हैं। अब वो मक्ता समाप्त करें, इस महफिल में यकीनन हर शख्स अपने घर को छोड़ के आया है इमाम बारगाह में, चाहे वो मोहम्मदाबाद से हमारे खावर भाई अतर भाई आए हों, चाहे आप तमाम हजरात हो जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है। मैं मक्ता बहुत कीमती नजर करना चाहता हूँ, समाप्त करें। बेहुबे अली देते हैं खाजिना के, है देखना दुश्वार मगर देख रहे हैं, हाँ ऐसी नमाजों से क्या फायदा उनको जो लोग इधर और उधर देख रहे हैं। मसरूफ हूँ मैं फिल हैदर में मुनव्वर, मसरूफ मैं फिल हैदर में मुनव्वर, जन्नत के फरिश्ते मेरा घर देख रहे हैं, जन्नत के फरिश्ते मेरा घर देख रहे हैं, जन्नत के फरिश्ते मेरा घर देख रहे हैं। सलवात पढ़े हजरत, हजरत देखिए तरह से मुबारकपुर मेरा सवेरी है, बदर सानी है, फैजान साहब दोस्त हैं मेरे, आप बड़े भाइयों की शक्ल में मुझे इतनी मोहब्बत नवाजी। मैं कुछ शेर और पढ़ता हूँ बिल्कुल नए, और इसमें सलीके की शायरी भी है और आपके मिजाज के भी, समाप्त करें। मैं मतलब पेश करता हूँ, फिर सामने मुख्तार के वो खास समझो, फिर सामने मुख्तार के वो आए हुए हैं, असगर के तबासुम से जो घबराए हुए असगर के तबसुम से जो घबराए हुए हैं। दबीर भाई ये शेर मैं आपकी दुआओं के साथ नज़र करता हूँ, समाप्त करें। मजमा देखिए एक ही कलाम में जो है रिश्त करने लगता है, मैं शेर पढ़ रहा हूँ, महफिल आपकी है, माहौल भी आपको ही देना आने वाले शायरों के लिए, समाप्त करें। किस मुंह से वो कह देते के बिदअत है तबर्रुक, किस मुंह से वो कह देते हैं के बिदअत है तबर्रुक, जो लोग खदीजा का नमक खाए हुए खदीजा का नमक खाए हुए हैं, जो लोग खदीजा का नमक खाए हुए हैं। और ये अकीदे का शेर, और तमाम हजरात का अगर यही अकीदा मेरे साथ बोलिएगा, मैं अकीदे का शेर पढ़ता हूँ। हम मौत से डरते नहीं दुनिया को बता दो, हम मौत से डरते नहीं दुनिया को बता दो, शबीर के रोजे से कफन लाए हुए गए, शबीर के रोजे से कफन लाए हुए हैं,
मौत से डरते नहीं, दुनिया को बता दो हम मौत से डरते नहीं, दुनिया को बता दो। और ये भी अकीदे का शेर समाप्त करें जामिला आपकी दुआओं के साथ। नजर तो देखिए रेहान साहब, क्यों गम को मिटाने पे तुला है ये जमाना, क्यों गम को मिटाने पे तुला है ये जमाना, हम मादरे सरवल से दुआ पाए हुए गे, मादरे सरवर से दुआ पाए हुए हैं। आखिरी दो शेर इस मनकबत का, मैंने इस मनकबत का इंतखाब सिर्फ इसलिए कहा, इसलिए किया चूँकि मुबारकपुर एक ज़माना था कि जब तरन्नुम के लिए मशहूर था। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुबारकपुर में अच्छी शायरी भी सुनी जाती है, तहत के लहजे भी सुने जाते हैं। मैं दो शेर पढ़ता हूँ हैबत मौला अब्बास के सिलसिले में, समात फरमाइए। हजरत गदीर का जश्न है और अगर शहजादी सकीना के हवाले से एक शेर हो जाए तो मेरे ख्याल से गदीर के जश्न की कबूलियत के लिए यही काफ़ी है। शेर बतौर खास समात करें। कहते थे लई भाग चलो जान बचाकर, कहते थे लई भाग चलो जान बचाकर, दरिया पे सकीना के चचा आए हुए गए, दरिया पे सकीना के चचा आए हुए हैं, दरिया पे सकीना के चचा आए हुए हैं। बिल्कुल एक अछूता मौजू जिसकी शायरी मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, बहुत कम महफिलों में होता है कि हज़रत औना मोहम्मद के लिए भी शेर पढ़े जाते हैं। एक शेर सुनिए मुबारकपुर का ये मातमी दस्ता, मौला सलामत रखे आपकी समातों को। शेर सुनिए हजरत। देखो तो जरा वलवले औनो मोहम्मद, देखो तो जरा वलवले औनो मोहम्मद, प्यासे गए मगर जुल्म से टकराए हुए गए, प्यासे गए मगर जुल्म से टकराए हुए गए। आखिरी शेर इस मनकबत का, देखिए किरताज साहब, और मुबारकपुर में तो इस तरह के शेर अगर ना पढ़े जाएं तो लखनऊ में चांस ले सकते हैं शेर को। मैं पेश करता हूँ, समाप्त करें। बेगुबे अली और ये नमाजों पे नमाजें, बेगुबे अली और ये नमाजों पे नमाजें, वो लोग तो शैतान के बहकाए हुए गए, वो लोग तो शैतान के बहकाए हुए हैं। हजरत देखे मेरा जो काम था महफिल ठीक ठाक आ गई है। फरहान बनारसी साहब, हमारे सीनियर फरहान बनारसी साहब, वो आ जाए महफिल में, उनकी ज़रूरत है, मजमा इस वक्त बेदार है। कुछ शेर और मैं सुना देता हूँ आपको, समाप्त करें। और ये मतलब मैंने उस वक्त पढ़ा जब हमारे यूपी में बूचड़ खाने बंद हो गए थे। मैं मतलब पेश करता हूँ, आप कहेंगे हकीकत है, यही बात है। गर अहल सकीफा की सियासत नहीं होती,
گر اہل سقیفہ کی سیاست نہیں ہوتی، بدنام زمانے میں خلافت نہیں ہوتی، بدنام زمانے میں خلافت نہیں ہوتی۔ وہ اس لیے جاتے نہیں روزے پہ علی کے، مظلوم سے ظالم کو محبت نہیں ہوتی، مظلوم سے ظالم کو محبت نہیں ہوتی۔ گر اہل سقیفہ کی، ارے فیضان صاحب آ جاؤ، ہم نے اپنا کام کر دیا، آ جاؤ آپ، 10 سال کے لیے لاک کر دیجئے، میں اوور جلال پوری کو یہی ماحول دے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ منقبت میں نے اس سال 13 رجب میں مولا کے حرم میں پڑھی تھی، تو وہ منقبت میں چونکہ مبارک پور پورے سال نہیں آیا ہوں، تو آپ کے لیے کچھ شعر اور اس میں سناتا ہوں، بہت قیمتی۔ بدنام زمان، آئیے بھائی فرحان بنارسی صاحب، ماشاءاللہ اللہ اللہ، بدنام زمانے میں خلافت نہیں ہوتی، وہ اس لیے 4 لاکھ خرچ کر کے حج پہ چلے جائیں گے، 70,000 میں کربلا نہیں جاتے، نجف نہیں جاتے، وجہ یہی ہے۔ وہ اس لیے جاتے نہیں روزے پہ علی کے، مظلوم سے ظالم کو محبت نہیں ہوتی۔ وہ جس کی ہر ایک نسل کا شجرہ ہی نجس ہو، وہ جس کی ہر ایک نسل کا شجرہ ہی نجس ہو، پانی سے کبھی ان کی طہارت نہیں ہوتی، پانی سے کبھی ان کی طہارت نہیں ہوتی۔ جاتے نہیں روزے پہ علی کے، مظلوم سے ظالم کو محبت نہیں ہوتی، مظلوم سے ظالم کو محبت نہیں ہوتی۔ وہ اور گئے کرتے گئے جو کعبے کی تجارت، کعبے کی تجارت سے مراد یہ ہے کہ انہی پیسوں سے شراب پیتے ہیں سعودی کے حکمراں، میں شعر پڑھتا ہوں۔ وہ اور گئے کرتے گئے جو کعبے کی تجارت، شبیر کے روزے کی تجارت نہیں ہوتی، شبیر کے روزے کی تجارت نہیں ہوتی، شبیر کے روزے کی تجارت نہیں ہوتی۔ شعر سنیے حضرات، بہت یہ قیمتی شعر ہے مبارک پور کے لیے، چونکہ آپ جتنا بڑھیا جواب دیتے ہیں غیروں کو، ہمیں تھوڑا سا دقت ہوتی ہے، لیکن آپ جواب دے لے جاتے ہیں، وہ جواب ملاحظہ فرمائیے۔ وہ جس کے بھی سینے میں چھپا بغض علی ہے، وہ جس کے بھی سینے میں چھپا بغض علی گئے، کعبے میں مرے پھر بھی شہادت نہیں ہوتی، کعبے میں مرے پھر بھی شہادت نہیں ہوتی، کعبے میں مرے پھر بھی شہادت نہیں ہوتی۔ آج مسلمان کہہ رہا ہے کہ اسلام خطرے میں ہے، جبکہ میرا دعویٰ یہ ہے کہ اسلام خطرے میں نہیں ہے، مسلمان خطرے میں ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ یہ بغض علی کا ہی نتیجہ ہے مسلمان،
ये बुग्ज अली का ही नतीजा है मुसलमान, ये बुग्ज अली का ही नतीजा है मुसलमान। दुनिया में कहीं अब तेरी इज्जत नहीं होती, दुनिया में कहीं अब तेरी इज्जत नहीं होती। शेर बतौर खास समाप्त करें हजरत, अगर इस शेर में कोई बात है तो मैं आपकी दुआएं चाहूंगा। भाई नेताजी शेर सुनिए, हाँ शेर, हाँ नेताजी शेर बहुत कीमती है, समाप्त करें। मैंने मौला के हरम में ये शेर पढ़ा था, मुझे मोमिनीन ने दुआओं से नवाजा, आप महसूस कीजिए मिस्रों को। बेखौफ चले आइए महफिल में अली की। देखिए हमारे जाहिद काजमी साहब चूंकि देखिए शेर मिसरा लग गया है जाहिद साहब को। बेखौफ चले आइए महफिल में अली की, बेखौफ। बहुत कीमती शेर मिस हो जाएगा मेरे भाई, कसम खुदा की, आप महसूस कीजिए। बेखौफ चले आइए महफिल में अली की, या मौत को आने की इजाजत नहीं होती, या मौत को आने की इजाजत नहीं होती, या मौत को आने की इजाजत नहीं होती, या मौत को आने की इजाजत नहीं होती। हम लोग भी करते ना कभी लानते उन पर, हम लोग भी करते ना कभी लानत उन पर, कुरान में जालिम पे जो लानत नहीं होती, कुरान में जालिम पे जो लानत नहीं होती, कुरान में जालिम पे जो लानत नहीं होती। जियो यार। 18 जिलहिज की शब 11 दिन बचे हैं 1438 हिजरी मुकम्मल होने के, पूरा साल आपने चौथी इमाम का 1400 साला मनाया है। मैं हासिल मनकब शेर रख रहा हूँ आपकी बारगाह में, मुबारकपुर का ये मजमा जो मुझे अपनी दुआओं से नवाज रहा है, बहुत कीमती शेर मौला सज्जाद के लिए पढ़ना चाहता हूँ ताकि ये जश्न जश्न गदीर ही ना रहे, जश्न सैयद सज्जाद भी हो जाए। मैं शेर बहुत कीमती पढ़ने जा रहा हूँ कि कातिल कभी शबीर के पकड़े नहीं जाते, कातिल कभी शबीर के पकड़े नहीं जाते, गर ज़ैनब सज्जाद की हिकमत नहीं होती, गर ज़ैनब सज्जाद की हिकमत नहीं होती। हम लोग भी करते ना कभी लानत उन पर, हम लोग भी करते ना कभी लानत उन पर, कुरान में जालिम पे जो लानत नहीं होती, कातिल कभी शबीर के पकड़े नहीं जाते, गर ज़ैनब सज्जाद की हिकमत नहीं होती, गर ज़ैनब सज्जाद की हिकमत नहीं होती। किसी ने मेरे मौला अली से कहा था, मौला
हातिम तो बहुत बड़ा सखी है, कोई मांगने वाला जब आता था वो पहले दरवाजे पे, दूसरे पे, तीसरे पे, 40 दरवाजे पे जाता था, और कभी हातिम नहीं कहता था तू पहले पे आया, दूसरे पे आया, तीसरे पे आया। मौला ने कहा तू सखावत की तारीफ कर रहा है या तौहीन बयान कर रहा है? ये तो तौहीन हुई, उसे 40 दरवाजे पे जाना पड़ा, एक पे क्यों नहीं इतना दे दिया कि दूसरे पे ना जाना पड़ता, दूसरे पे ना जाना पड़ता। मैं शेर नजर करता हूँ, बहुत कीमती शेर, कि मिलता गएगा मैं इतना दरे शागे नजब से, फिर और कहीं जाने की हाजत नहीं होती, फिर और कहीं जाने की हाजत नहीं होती। और ये मक्ते का शेर, चूंकि मक्ता आपकी दुआओं के साथ, बेखौफ चले आइए चौखट पे अली की, बेखौफ चले आइए महफिल में अली की, या मौत को आने की इजाज़त नहीं होती, या मौत को आने की इजाज़त नहीं होती। जिस शान से नज़े पे किया शैन तिलावत, जिस शान से नज़े पे किया शैन तिलावत, उस शान से नबियों से तिलावत नहीं होती, उस शान से नबियों से तिलावत नहीं होती। और ये मक्ते का शेर बतौर खास समाप्त करें, कातिल कभी शबीर के पकड़े नहीं जाते, कातिल कभी शबीर के पकड़े नहीं जाते, गर ज़ैनब व सज्जाद की हिकमत नहीं होती, गर ज़ैनब व सज्जाद की हिकमत नहीं होती। और ये मक्ते का शेर मुलाजा फरमाइए समाज पर, गमखार साधु के मक्ता आपके लिए पढ़ दे रहे हैं, समाप्त करें। सरतन से जुदा होने का डर होता मुनव्वर, 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 फिर आज यहाँ महफिल मिदहत नहीं होती, फिर आज यहाँ महफिल मिदहत नहीं।